कोरोना के कारण पूरे वैश्विक जगत में लाखों लोगों की मौत हुई, कई परिवार उजड़े, किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपनी माँ। वैश्विक जगत में जो लोग रोजाना कमाने खाने वाले थे उन्हें भुखमरी का शिकार तक होना पड़ा, और इन सब के जिम्मेदार केवल और केवल चीन ही है, जिसके कारण वैश्विक जगत में स्थिति पनपी, जिसका चीन पूर्ण रूप से विरोध करता है, और एक बार फिर से यह स्थिति पनप सकती है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल चीन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है। यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में भी करीब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है। यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। यहाँ हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को अपने परिवार की अंतिम संस्कार के लिए इंतजार तक करना पड़ रहा है। इससे भारत समेत कई देश अलर्ट हो गए हैं। वहीं इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि यह पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिसके कारण भारत ने भी अपनी कमर कस ली है, और भारत के कई राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार हाई अलर्ट पर है, क्योंकि भारत में भी BF.7 के 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट BF.7। दरअसल BF.7 असल में एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसका पूरा नाम BA.5.2.1.7 है। ये ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट का सब वेरिएंट है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट के ही सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं। बता दें कि कोरोना के कुल मामलों के करीब 76% मामले इसी वायरस के हैं। वहीं आप ये भी समझिए कि चीन में जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, उनसे तो संकेत यही मिलता है कि BF.7 बाकी ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। संक्रमण क्षमता सबसे ज्यादा है और यह बहुत ही तेजी से फैलता है। BF.7 से संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ओमिक्रॉन के बाकी वेरिएंट औसतन 5 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, तो आप खुद समझिए कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। वही इस वेरिएंट का इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है। इंक्यूबेशन पीरियड माने वायरस के संपर्क में आने और पहले लक्षण दिखने के बीच का समय होता है। मतलब कि आप जैसे ही आप BF.7 के संपर्क में आए, तो आपको यह तुरंत ही अपनी चपेट में ले सकता है। और रिपोर्ट तो यह भी दावा करती है कि उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें पहले कोरोना हुआ हो या फिर जिन्हें वैक्सीन लगी हो। तो कोरोना के इस वेरिएंट से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।